नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे माया हिसार शर्मा। और आज बोल में दो मुद्दे हैं। क्या कर्नाटक में संभावित हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखलाने लगी है कि वो विपक्ष के नेताओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं? आज बात हम करेंगे देश के विदेश मंत्री जयशंकर और उनके बयान की। मुद्दा नंबर दो, बिल्किस बानो पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज बिल्किस के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एक एक शब्द आपके सामने होगा। न कोई ताकत न कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद में तेरे। सबसे पहले दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर का हास्यास्पद बयान। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं। कर्नाटक में हो क्या रहा है मैं आपको बतला रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि जगदीश शेट्टर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2012-13 में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उसी तरह से ढेरों नेता, 50 लोगों की लिस्ट मैंने आपको इसी कार्यक्रम में दिखाई थी, वो तमाम नेता अब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस जा रहे हैं या फिर बगावत कर रहे हैं। बीजेपी इस कदर बौखला रही है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने देश के विदेश मंत्री से सूडान में फंसे कर्नाटक के लोगों के बारे में सिर्फ अपील की थी, और देखिएगा किस तरह से बौखलाहट भरे अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सिद्धरमैया ने दरअसल क्या कहा आपके स्क्रीन्स पर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 18 अप्रैल की सुबह कुछ ट्वीट्स किए, जिसमें वो हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय के लोगों को वापस लाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट क्या किया दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर, सूडान में कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के 31 लोग पिछले कुछ दिनों से बिना भोजन के फंसे हुए हैं, और सरकार ने अभी तक उन्हें वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की? एक विपक्ष का नेता है, सवाल पूछ रहा है, वो अपील कर रहा है, इसमें कोई बदतमीजी नहीं है। मगर मैं आपको बतलाता हूं देश के विदेश मंत्री किस तरह से एक ट्रोल की भाषा इस्तेमाल करते हुए क्या जवाब देते हैं आपके स्क्रीन पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर, मैं आपकी बात से स्तब्ध हूं, आई एम अपॉल्ड कहते हैं वो, मैं आपकी बात से स्तब्ध हूं, यहां जीवन दांव पर लगे हैं, आप राजनीति मत करिए। 14 अप्रैल को लड़ाई शुरू होने के बाद से खार्तूम में भारतीय दूतावास अधिकांश भारतीय नागरिकों और PIO के साथ संपर्क में है। एस जयशंकर आगे क्या कहते हैं आपके स्क्रीन्स पर। जयशंकर ने आगे कहा कि सुरक्षा कारणों से इन लोगों की जानकारी साझा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा भारतीय दूतावास मंत्रालय से लगातार संपर्क में है, इस स्थिति का राजनीतिकरण करना काफी गैर जिम्मेदाराना है, कोई भी चुनावी लक्ष्य विदेश में भारतीयों को खतरे में डालने को सही नहीं ठहराता। सिद्धरमैया ने इसका पलटवार किया है, मगर आपने गौर किया होगा यहां पर क्या कहते हैं देश के विदेश मंत्री, वो कहते हैं कोई भी चुनावी लक्ष्य विदेश में भारतीयों को खतरे में डालने को सही नहीं ठहराता। याद कीजिएगा दोस्तों, यूक्रेन से जब हमारे छात्रों को लाया जा रहा था, आपको याद है किस तरह से विदेश मंत्रालय हो या मोदी सरकार के मंत्री, जो छात्र आ रहे थे उनसे मोदी मोदी के नारे लगवा रहे थे दोस्तों। ये कह रहे थे कि भाई आप जिंदा जो बच के आए हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा है। तो मैं जानना चाहता हूं देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से कि विदेश से जुड़े मामलों पर राजनीति करने की शुरुआत तो आप लोगों ने की थी, और मैं आपको बतला दूं ये पहली बार नहीं है जब लोगों को वहां से लाया जा रहा है। बहुत पहले से इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास है, उसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा। बहरहाल सिद्धरमैया ने इसका पलटवार किया है। सिद्धरमैया का क्या बयान है आपकी स्क्रीन पर, वो कहते हैं क्योंकि आप विदेश मंत्री हैं इसलिए मैंने आपसे मदद की मांग की थी, अगर आप व्यस्त हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करा दें जो हमारे लोगों को वहां से लाने में मदद करे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बयान या जो अपील कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया ने की, उसमें क्या गलत था? और फिर इस तरह की बदमिजाजी से अपनी प्रतिक्रिया देना,
क्यों बौखलाए रहते हैं देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर? आखिर क्या वजह है कि उनका स्तर कभी कभी बीजेपी के आईटी सेल्स के ट्रोल्स जैसा हो जाता है? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, तेजस्वी सूर्या वो नसीहत दे रहे हैं कांग्रेस के सिद्धारमैया को, वो क्या कह रहे हैं, सर वी डोंट नीड lessons ऑन rescuing stranded Indians फ्रॉम कांग्रेस, मोदी गवर्नमेंट हैज rescued lakhs ऑफ stranded Indians ड्यूरिंग वंदे भारत मिशन, students ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर, nurses फ्रॉम Yemen एंड मोर, ऑल Kannadigas विल रिटर्न सेफ। तेजस्वी सूर्या ये कह रहे हैं कि हमें सबक नहीं चाहिए क्योंकि मोदी सरकार लाखों लोगों को विदेशी जमीन से बचाती रही है। तो बेटे तेजस्वी सूर्या, जब शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे तब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह हुआ करते थे। मैं आपको बतला दूं, खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था, लाखों की तादाद में भारतीयों को बचाकर उस वक्त सरकार लाई थी। 1990 के बाद से ऐसे ढेरों मिसालें रही हैं जब खाड़ी क्षेत्र से सरकारें बचाती रही हैं मगर उस पर सियासत नहीं की जाती है। यह तो मोदी सरकार के दौरान शुरू हुआ है जब आप इन मुद्दों पर सियासत करते हैं, कितने शर्म की बात है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, एक सामान्य सी बात है, एक सामान्य सी अपील है मगर उस पर भी सियासत। इसलिए मेरा आपसे सवाल है, क्या कर्नाटक में हार को लेकर एक डर बना हुआ है? दोस्तों मुद्दा सिर्फ एक एस जयशंकर का नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों के भाव में इस कदर अहंकार है कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर यह हैं किरण रिजिजू, दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री अतिशी जो हैं वो स्कूल्स में पहुंचती हैं, ये वीडियो देखिए, और एमसीडी के इन स्कूलों की पड़ताल की जाती है। ठीक है, अब एमसीडी में इस वक्त बहुमत किसका है? आम आदमी पार्टी का, मगर पिछले कई सालों से किसका कब्जा था? भारतीय जनता पार्टी का। सबसे पहले दोस्तों मैं बतलाना चाहता हूं किरण रिजिजू क्या बोल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि सिसोदिया देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं और दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं। इस वक्त नई शिक्षा मंत्री केजरीवाल और सिसोदिया का पर्दाफाश कर रही हैं। हकीकत यह दोस्तों, ये दिल्ली सरकार के स्कूल नहीं थे, ये एमसीडी के स्कूल थे। वो एमसीडी जो पिछले एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर क्या कहा है संजय सिंह ने। संजय सिंह का बयान आपकी स्क्रीन पर। कानून मंत्री की अज्ञानता देखिए, अपनी प्यारी बीजेपी को ही बुरा कहने लगे। मंत्री जी ये एमसीडी का स्कूल है, आज तो आपने स्वीकार कर लिया 15 साल से बीजेपी ने स्कूल बर्बाद कर लिया है। दोस्तों दिक्कत क्या, मैं आपको बताता हूं, दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को लगता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके बयानों पर काबू पाने के लिए कोई मीडिया नहीं है, सवाल करने के लिए कोई मीडिया नहीं है, कटघरे में रखने के लिए कोई नहीं है। इसलिए चाहे वो एस जयशंकर हो, किरण रिजिजू हो, वो कुछ भी बयानात देते हैं। और कुछ भी बयानात के सिलसिले में एक और व्यक्ति आते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 18 साल से असम से सांसद थे मगर उन्होंने असम को कभी इज्जत नहीं दी, कभी उन्होंने असम का गमछा तक नहीं पहना। और प्रधानमंत्री जी असम का गमछा पहन के हर जगह असम को इज्जत देते हैं। सबसे पहली बात, गलत बात। ये दो तस्वीरें देखिए, इसमें आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हैं वो असम की वेशभूषा पहन रहे हैं, गमछा भी पहन रहे हैं और ये टोपी भी पहन रहे हैं, और ये दोनों जो हैं वो असम से जुड़े प्रतीक हैं। तो सबसे पहली बात, आपको भी किरण रिजिजू की तरह गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात, मैं हेमंत बिस्व शर्मा से पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीति फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है? यानी कि अगर आप एक राज्य का पहनावा पहन ले तो क्या आप उस राज्य के सबसे बड़े हितैषी हो सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को इवेंट मैनेजमेंट बना दिया है, यानी कि पूरी राजनीति जो है उसमें सिर्फ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री अलग अलग टोपियां पहनकर हर जगह दिखाई देते हैं तो उसे शानदार राजनीति की मिसाल कही जाती है। वाह, क्या कही जाए आपके सोच के बारे में, क्या कहा जाए वाकई। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, जो मिसाल मैंने आपके सामने रखी वो छुटभैये नेताओं की नहीं थी,
चार लोग या चार मिसालें जो मैंने आपके सामने रखी, एक देश के विदेश मंत्री, कानून मंत्री और एक असम के मुख्यमंत्री और तेजस्वी सूर्या एक सांसद हैं, और सभी बयानों में एक चीज दिखाई देती है, अहंकार, दूसरी चीज अज्ञानता, तीसरी चीज गलत बयानी, और कहीं ना कहीं यह भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क हो गई है और इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको यह भी बताया कि बिल्किस बानो का मामला जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। याद कीजिएगा दोस्तों, बिल्किस के 11 गुनाहगारों की बाकायदा रिहाई हुई थी, और जब वो रिहा हुए थे तो किस तरह से फूलों से और मिठाइयों से इनका स्वागत हुआ था, बात वहां नहीं रुकी थी। याद कीजिएगा किस तरह से शैलेश भट्ट, बिल्किस का एक गुनहगार, उसे सम्मानित किया था एक मंच पर। उस मंच पर भाजपा के एक सांसद और लीमखेड़ा से भाजपा के एक विधायक थे। जाहिर सी बात है, जब अन्याय की यह तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध हो जाता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के शब्द आपको सुनवाना चाहता हूं। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा जो बतला रहा है कि इस देश में इंसाफ अलग अलग लोगों के लिए अलग है। बिल्किस बानो के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिल्किस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सत्ता का अवैध प्रयोग ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज बिल्किस है, कल कोई और होगा। यह एक ऐसा मामला है जहां एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उसके 7 रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। हमने आपको गुजरात सरकार सभी रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा था। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने अपना विवेक लगाया, अगर हां तो बताएं आपने किस सामग्री को रिहाई का आधार बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम केवल यह तय करना चाहते हैं कि शक्ति का वास्तविक प्रयोग हो, सत्ता का कोई अवैध प्रयोग ना हो। जिस तरह से अपराध किया गया वो भयानक है। यही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि उन 11 लोगों को 1000 दिन का पैरोल मिल चुका है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग क्या सोच रहे होंगे। आप लोग ये कह रहे होंगे कि जब हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तब क्या होता है। बिल्कुल गलत। जब उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतार दिया जाता है और आरोप लगता है पुलकित आर्या पर, जो कि भाजपा नेता का बेटा था, तब मैंने उसकी आवाज उठाई थी। जब शाहरुख नाम के व्यक्ति पर यह आरोप लगता है कि उसने अंकिता को मौत के घाट उतार दिया, तब मैंने उसकी आवाज बुलंद की थी। फर्क यह है दोस्तों कि शाहरुख के पक्ष में कोई रैली नहीं निकालता, उसकी पक्षधरी उसका साथ देने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा नहीं चलाया जाता, मगर पुलकित आर्या जो कि भाजपा के नेता का बेटा है उसके मामले में कानून कमजोर दिखाई देता है। बिल्किस बानो के गुनहगारों के पक्ष में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती है, इसलिए आज मैं बिल्किस की आवाज उठा रहा हूं। आज अगर बिल्किस की आवाज नहीं उठाई गई तो यह इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश की सभ्यता पर, शुचिता पर एक करारा तमाचा होगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बिल्किस को इंसाफ मिले। भारतीय जनता पार्टी इस निचले स्तर की राजनीति से ऊपर उठे सिर्फ इसलिए कि बिल्किस मुसलमान है, उसके साथ ये नाइंसाफी नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर सद्बुद्धि देगा हमारे राजनेताओं को कि वो इतनी घटिया राजनीति ना करें और बिल्किस को इंसाफ मिलेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।